आज एक युवा की बात की जाए तो कोई भी पार्टी, हर पार्टी बात करती है कि हम युवाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो न्यू यूथ है, तो आप भी एक न्यू यूथ में से दिख रहे हैं, तो आपकी क्या सोच है देश के लिए, आप क्या करना चाहेंगे, और देश में रहने वाले जो देश की सेवा कर रहे हैं उनको इस तरह से खाना दिया जा रहा है, जिन्हें यूट्यूब पे एक वीडियो डालकर लोगों की मदद मांगनी पड़े, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यूथ ये शब्द यूज़ करके सब लोग नाम ये कर रहे हैं, लेकिन कोई आज तक आगे खड़ा नहीं होता है। जो खड़ा होता है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया का आदमी रहता है, लेकिन जहाँ तक का मेरा खुद का सवाल है, जो ने जिस इशू से होके, जिस आधार पे मैंने इस पद को स्वीकार किया है, वो ये स्वीकार किया है कि एग्जैक्टली यूथ का मतलब क्या होता है और यूथ को क्या करना चाहिए और यूथ कहाँ तक जा सकता है और क्या कर सकता है, ये सब करने के लिए मैंने ये पद लिया है, जिसमें मैंने काम भी शुरू किया है, और भगवान ने चाहा तो मैंने ऐसा ऐसा एक बॉडी तैयार किया है जिसमें एक्चुअली सब दुनिया को किसी को बुला के, किसी को पब्लिश करके नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ वर्किंग करके पता चलेगा कि हाँ, भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के यूथ एसोसिएशन ने ये काम इस जगह ऐसे ऐसे किया है, जिससे यूथ का पूरा नाम आ जाएगा, फिर तभी लोगों के नज़रों में ऐसा आ जाएगा कि यूथ का मतलब क्या है। तो आपकी क्या सोच है, आप भी यूथ को आगे लेके चलेंगे अपने साथ? ज़रूर लेके चलूँगा, और ऐसा यूथ बनाऊँगा कि एक टाइम पर जब वो टाइम आया था जब हाजी मस्तान जी ने शुरू किया था, जो उनका गाइडेंस है वो आज तक हम भूले नहीं हैं, उसके बाद उनके जो बेटे हैं माननीय सुंदर शेखर जी, जो उनका भी एक कहना एक ही है कि सही रास्ते से चलो, देखना तुम्हारा हर रास्ता खुल जाएगा, चाहे उसमें कितने भी कठिनाइयां आ जाए, तो बस वो हिसाब से ही चलेंगे और इस यूथ की दिशा को हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।